भारतीय जनता पार्टी के वर्करां अते लीडरां ने अज शहर दे विच कई थावां ते भीम राव अंबेडकर की जयंती मनाई अते उन्हां दे देश बारे कीते कम चंगे कमां दी सराहना कीती। नहीं नहीं एक मिनट खड़ो। हाँ जी सर जी बोलो जी, कहदा प्रोग्राम कर रहे हैं? अज संविधान दे रचिता बाबा भीम राव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती के उपर वाल्मीकि मंदिर के अंदर जनकपुरी के असं प्रोग्राम रखे, उन्होंने शरदा के फुल भेट कर रहे हैं कि शिवाजी नगर मंडल के वालों सारी टीम इकट्ठी होकर इतने उन्होंने शरदा सुमन अर्पित कर रही है। ठीक है सू। हाँ जी राजीव जी की हो रहा इस सारा ज भारतीय जनता पार्टी शिवाजी नगर मंडल वालों जिला प्रधान जी के दशानुसार अज डॉक्टर साहब भीम राव अंबेडकर जी का जन्म दिवस ते पुष्पांजलि समारोह रखिया। असी साढ़े देश के संविधान के निर्माता पिछड़े अति पिछड़िया के मसीहा जिन्होंने भारत में लोकतंत्र मुल्क बनाने बहुत वड्डा सहयोग किया, जिन्हां दे दित्ते संविधान ते अज असीं चल रहे हाँ ते लोग न्याय पा रहे हैं, उन्हां दा अज दा जन्म दिहाड़ा असीं इत्थे मना रहे हैं। 14 अप्रैल 1891 नूं बाबा साहब का जन्म होया। जन्म उपरांत बाबा साहब नूं सारे जीवन दे विच 26 डिग्रियां उन्होंने लईयां, जिहदे विच इकनोमिक्स च उन्होंने डॉक्टरेट की। उस तो बाद महाराजा गायकवाड़ ने उन्होंने उन्होंने प्रतिभा देखते हुए उन्होंने भेजन दे लई इंग्लैंड भेजा, जिथे उन्होंने बैरिस्टरी की। उस समय के हिंदुस्तान के बहुत अच्छे वकील भी सन। इस कारण जब मुल्क आजाद होया तो सारे मुल्क ने एक जुट होकर फैसला लिया कि जिहड़ा देश का संविधान बना बनेगा वह डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी खड़रा जिहड़ा तैयार किया अध्यक्षता च बनेगा। उन्होंने बनाने के लिए 47 तो बाद 26 जनवरी 1950 जिवें कि सानू पता संविधान साडा लागू होया, 3 साल की अंथक मेहनत की बाबा साहब ने कई मुद्दे। बाबा साहब कल्ले बैरिस्टर या एक विद्वान ही नहीं सी, उस तो लैदा बहुत वड्डे देशभगत भी सी। उन्होंने कई बार नहरू जी नू मना किया कई गल्लां दे उपर, पर उन्हां दी गल नू अनसुणा करता, जिस नाल देश 370 का संताप भोग रहा, 35A का संताप भोग रहा, होर कई इदां दे जिहड़े फैसले गलत लए गए, जिन्हां नू डॉक्टर साहब ने कहा सी कि आने वाले टाइम लई तुसीं इक किल ला रहे हो जिहड़ा कि तुहानू इह उठन नहीं दूगी, उन्हू ना मन के देश काफ़ी पिछे गया। पर साडे मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगवाई हेठ बाबा साहब दीआं कई गल्लां नू उन्हां जिहड़ियां गलतियां नू जिहड़ियां गलतियां कीतियां गईआं उन्हां नू उन्होंने परे कीता ते अज देश देखो किन्ना तरक्की ते जा रहा। जय भीम जय भारत। एक मिनट, 1953 के बाबा साहब अंबेडकर दे खिलाफ कांग्रेस ने अपना कैंडीडेट खड़ा किया सगा, ये याद है थोनों? बिल्कुल, ये नहरू जी की शह से होया सी। जदों अंबेडकर जी नू बोलन तो सच बोलन तो दबे कुचले दलित पीड़ित और वंचित चाहे किसी भी कौम का सीगा उन्हां दी आवाज़ बनन तो रोकन दे लई, क्योंकि नहरू एक बहुत ज़्यादा जिद्दी बंदा सी। हाँ जी असी सारे अज शिवाजी नगर मंडल वालों इकट्ठे हुए हैं कि बाबा भीम राव अंबेडकर जी नू याद करन लई। अज उन्हां दे जन्म दिहाड़ा है, उन्होंने लगभग 26 डिग्रियां प्राप्त कीतियां अपने लाइफ टाइम दे विच। बैरिस्टर बनने लिए इंग्लैंड तक गए, उतों पढ़ के उन्होंने जिन्नी शक्ति इकट्ठी की उन्होंने असी तां याद करते हैं क्योंकि उन्होंने जिन्नी शक्ति इकट्ठी की उन्होंने लोगों के लाई। असी हमेशा उन्होंने लोगों को याद करते हैं
जिन्होंने अपनी शक्ति लोगों को जिन्होंने शक्ति अपने लिए यूज़ की वो लोग कभी याद नहीं किए जाते। राष्ट्रपति देखो साढ़े जेडे हूँ भारतीय जनता पार्टी लेके आते द्रौपदी मुर्मू जी दलित समाज के पहला कभी भी नहीं होता। चलो जी बहुत वधिया जी बहुत।